हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर को और चैप्टर का नाम है गेम ऑफ चांस। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी चूजिंग ए फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें ये सामने कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनमें से एक को चुनना है इस ब्लैंक को पूरा करने के लिए। पहला है, वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल। ईद फेस्टिवल के समय क्या हुआ था? ए बिग शो, ए बिग फेयर, ए बिग कंपटीशन। एक बड़ा शो हुआ था, एक बड़ा मेला लगा था, या एक बड़ा कंपटीशन हुआ था। इसका सही जवाब है ए बिग फेयर। दूसरा है, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स। व्यापारी लोग हैं वो इस गांव में आए कई प्रकार के सामान को लेके। टू डिस्प्ले, दिखाने के लिए। टू बाई, खरीदने के लिए। टू सेल, बेचने के लिए। तो इसका सही जवाब है टू सेल, बेचने के लिए। अंकल टोल्ड मी वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे बताया जब वो दूर जा रहे थे या जब वो दूर थे। नोट टू बाई एनीथिंग, कुछ नहीं खरीदना। नोट टू गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाना। नोट टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करना। इसका सही जवाब है नोट टू बाई एनीथिंग, कि कुछ भी नहीं खरीदना। द ओनर ऑफ द लक्की शॉप वॉन्टेड एवरीबडी प्रेजेंट। लक्की शॉप का जो मालिक था वो चाहता था टू प्ले द गेम, सब गेम खेले। टू विन ए प्राइज, सब प्राइज जीते। टू ट्राई देयर लक, सब अपने लक को आजमाए। टू ट्राई देयर लक, सब अपने लक को आजमाए। द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चांस आई गोट। जब मैंने पहला चांस लिया तो मुझे क्या मिला? ए बोटल ऑफ इंक, एक इंक बोटल। टू पेंसिल्स, दो पेंसिल्स। ए ट्रिफल, या एक छोटी वस्तु। इसका सही जवाब है टू पेंसिल्स। अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड। अंकल ने मुझे बताया कि शॉपकीपर ने मुझे बना दिया। ए फूल ऑफ मी, मेरा मूर्ख बना दिया, या मुझे मूर्ख बना दिया। ए गुड प्रॉफिट, एक अच्छा फायदा बना दिया। फ्रेंड्स विथ मैनी पीपल, कई लोगों का मुझे दोस्त बना दिया। और इसका सही जवाब है ए फूल ऑफ मी, उसने मुझे मूर्ख बना दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाई एनीथिंग इन हिज अब्सेंस। आप क्या सोचते हैं कि रशीद के अंकल ने उसको क्यों मना किया उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी खरीदने के लिए? अंकल वांट रशीद नॉट टू बाई एनीथिंग इन हिज अब्सेंस बिकॉज The shopkeepers could cheat him and take away his money. अंकल ने रशीद को मना किया था कि उनकी अनुपस्थिति में वो कुछ भी नहीं खरीदे, क्योंकि दुकानदार उसके साथ में चीटिंग कर सकते थे और उसका पैसा उससे ले सकते थे। Why was the shop called lucky shop? उस शॉप को लकी शॉप क्यों कहा जाता था? उस शॉप को लकी शॉप क्यों कहा जाता था? The shop was named lucky shop so as to tempt the people to try their luck and win prizes. उस शॉप को लकी शॉप इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह लोगों को आकर्षित करती थी अपना लक आजमाने के लिए और प्राइजेज जीतने के लिए। An old man won a cloak and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? एक बूढ़े आदमी ने घड़ी जीत ली और उसे वापस दुकानदार को बेच दी, उसने उससे कितना पैसा बनाया? The old man made 15 rupees by selling the cloak back to the shopkeeper. उस बूढ़े आदमी ने 15 रुपए कमा लिए इस घड़ी को वापस दुकानदार को बेचकर। हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, व्हाट वर दे? उस बच्चे ने कितने इनाम जीते और वो क्या थे? द बॉय वॉन 4 prizes। उस लड़के ने 4 इनाम जीते, एक कॉम, एक कंघा, ए फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन, ए रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच उसने जीती, एंड ए टेबल लैम्प, और एक टेबल लैम्प भी उसने जीत लिया। वाई वॉज रशीद अपसेट? रशीद अपसेट यानी दुखी क्यों था? रशीद वाज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वाज अनलकी एट द गेम ऑफ चांस। रशीद दुखी इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि वो गेम ऑफ चांस में अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली था। इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेक ए फूल ऑफ रशीद? उस दुकानदार ने रशीद को मूर्ख कैसे बना दिया? द शॉपकीपर गेव रशीद थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। शॉपकीपर ने रशीद को कम पैसों की चीजें दे दी। ही इंक्रेज द बॉय टू ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन। उसने उस बच्चे को उत्साहित किया कि दोबारा और दोबारा अपना भाग्य आजमाता रहे। इनोसेंट रशीद लॉस्ट ऑल हिज मनी, और भोले भाले रशीद ने अपना सारा पैसा उसके हाथों खो दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।